प्रकाश के बारे में न्यूटन ने अपनी व्याख्या की थी। न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया था। एक हम क्लास लेंगे आपका प्रकाश के इतिहास के लिए कि किसने किसने, जैसे सबसे पहले सर आइज़ैक न्यूटन ने लाइट के बारे में कहा था, उसके बाद हाइगेंस ने कहा था, उसके बाद मैक्सवेल ने कहा था, उसके बाद आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, डी ब्रोगली ने अपना सिद्धांत दिया था। लेकिन हम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे किसने लाइट के बारे में क्या कहा। तो इसी क्रम में सबसे पहले न्यूटन साहब ने प्रकाश के बारे में ही नहीं बताया, अभी तो उन्होंने बताया कि कोई अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अवतल दर्पण की खासियत है कि अवतल दर्पण एप्स फोकस, सी से पत्रता केंद्र और आई से FCI के बीच में कोई भी वस्तु रख दी जाए तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। न्यूटन ने बताया कि किसी अवतल दर्पण में, किसी अवतल दर्पण में अनंत और फोकस, अनंत और फोकस तक रखी वस्तु में, अनंत से लेकर फोकस तक रखी वस्तु में या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, किस प्रतिबिंब के लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब आइए जरा हम एक वस्तु यहाँ रख रहे हैं, वस्तु का नाम हमने दिया AB, वस्तु का नाम क्या है? और अभी हम एक प्रकाश किरण वस्तु के सर से होते हुए पत्रिका केंद्र से होते हुए आगे बढ़ेगी और इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब बना एक और किसके बीच, किसके रूप में, ध्यान देना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण में न्यूटन सूत्र या केवल दर्पण में न्यूटन सूत्र। तो पूछे कि दर्पण में न्यूटन सूत्र क्या है, तो आपको उत्तर देना है अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? कैसे प्रतिबिंब के लिए वास्तविक या काल्पनिक? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। इसका नाम फोकस है। क्या है? और यहाँ वस्तु है, यहाँ प्रतिबिंब है। तो न्यूटन ने बताया कि किसी अवतल दर्पण में फोकस से वस्तु दूरी, फोकस से वस्तु दूरी, किसी अवतल दर्पण में फोकस से, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको हम चिन्हित करके रखेंगे, इस बात का बिल्कुल हम ख्याल रखेंगे, किसी अवतल दर्पण में फोकस से वस्तु दूरी। तो देखिए, तो यह फोकस है और यहाँ वस्तु है, तो फोकस से वस्तु दूरी कौन है? FA। किसी अवतल दर्पण में फोकस से वस्तु दूरी, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है FA, तथा फोकस से प्रतिबिंब दूरी FM, फोकस से प्रतिबिंब दूरी, इन दोनों का गुणनफल फोकस के स्क्वायर के क्या होता है? फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होता है। फिर से ध्यान देना है, यहाँ हम एक सूत्र पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन सूत्र। न्यूटन सूत्र किस दर्पण के लिए सत्य है? किस तरह के प्रतिबिंब के लिए? क्या समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? क्या उत्तल दर्पण बनाता है? वो प्रश्न पूछ दिया जाए कि किस दर्पण में न्यूटन सूत्र लगता है, अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? FCI, फोकस से लेकर अनंत तक अगर हम वस्तु रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें निश्चित रूप से न्यूटन सूत्र लग सकता है। न्यूटन सूत्र है क्या? तो किसी अवतल दर्पण में, किसी फोकस से लेकर वस्तु तक की दूरी, फोकस से लेकर वस्तु दूरी नहीं, वस्तु दूरी तो हो जाएगा P से लेकर कहां तक, हमको यह दूरी नहीं चाहिए,
हमको चाहिए फोकस से वस्तु दूरी, फोकस से वस्तु दूरी और फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी, फोकस से वस्तु तक की दूरी और फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी का गुणनफल उस दर्पण के फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होता है। सबके मन में आ रहा है न्यूटन सूत्र? किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए फोकस से वस्तु की दूरी और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल उसके फोकस के वर्ग के बराबर होता है। तो फोकस दूरी के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप में से कोई छात्र बता पाएंगे क्या दर्पण में न्यूटन सूत्र क्या है? प्रीतेश आप ही बता दीजिए। किसी अवतल दर्पण में वस्तु से फोकस से वस्तु तक की दूरी तथा फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी का गुणनफल उस वस्तु उस दर्पण के फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होता है। चलिए बिल्कुल सही, सीखो आप बताइएगा, बताइए आप बताइए, माइक बताइए। न्यूटन ने बताया कि किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, कैसे प्रतिबिंबों के लिए, यह सूत्र केवल और केवल सत्य है। कैसे प्रतिबिंबों के लिए? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनते कहाँ है? FCI में। कहाँ बनते हैं? फोकस से लेकर अनंत के बीच यदि हम अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखते हैं तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें एक सूत्र काम करेगा जिसका नाम है न्यूटन सूत्र। न्यूटन सूत्र है क्या? किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए फोकस से लेकर वस्तु तक की दूरी एवं फोकस से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी का गुणनफल उस दर्पण के फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारे ख्याल से सभी विद्यार्थी समझ लिए हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन जानें। गिवन मतलब यह चित्र क्या क्या आपको बता रहा है, इस चित्र से आप क्या क्या समझ रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में। तो यदि हम इसका नाम लिख दें XY, लिख दें क्या? चलिए कोई बात नहीं है, XY फर्क, XY बी ध्रुव, एफ फोकस और सी पटल वाला एक अवतल दर्पण, सही है? XY द्वारक B ध्रुव F फोकस C वक्रता केंद्र वाला एक अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु AB, जिसमें एक वस्तु AB अनंत और C के बीच रखी है, अनंत और C के बीच रखी है जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब F और C के बीच MN के रूप में, किस रूप में? वास्तविक और उल्टा पड़ता है, वास्तविक और उल्टा। हर हालत में हमें यहाँ एक बात कहना ही कहना है, वास्तविक, क्योंकि यह सूत्र किसके लिए मान्य है? वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए मान्य है। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब जो कि C और अनंत के बीच है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ बन रहा है? F और C के बीच। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, सही है? तो ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है FA into FM बराबर FSY, यही हमें सिद्ध करना है। यह टू प्रूव डेट है, क्या है? टू प्रूव डेट है। अभी अभी हम लोगों ने जाना गिवन, गिवन है क्या? XY द्वारा P ध्रुव F फोकस C वक्रता केंद्र वाला एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु अनंत और C के बीच रखी है AB के रूप में और उसका प्रतिबिंब परावर्तन के बाद इसी दर्पण में F और ना बनकर C के बीच किस रूप में? MN के रूप में, वास्तविक और उल्टा। तो ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है फोकस से वस्तु की दूरी और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल कितना हो जाएगा? FS² हो जाएगा, सही है? सब लोग तैयार हैं समझने के लिए? आइए हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें। क्या सिद्ध करना है? FA into FM = FS²
एफ ए एल एच एस ले लेते हैं हम लोग, यही एल एच एस है, एल एच एस है एफ ए इंटू एफ एम, सही है, सब लोग देख रहे हैं एफ ए इंटू एफ एम। थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, यहाँ एक नजर डालिए इस चित्र पर, एफ ए देखिए तो यही है, एफ ए यही ना है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, फिर से ध्यान देना है यहाँ एफ ए है, यही ना एफ ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ ए है। तो क्या हम इस एफ ए को ऐसे लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, लिख सकते हैं, तो आइए हम इसको लिख ही दें, बताइए पी ए माइनस पी एफ, पी ए माइनस पी एफ इंटू एफ एम को देखते हैं, एफ एम है क्या, एफ एम यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिए तो यही एफ एम है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एम माइनस पी एफ, पी एम माइनस PM माइनस PM। एक बार पुनः वापस आ जाते हैं, हम सब लोग कौन सा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण में न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने बताया कि किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए फोकस से वस्तु की दूरी और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी दोनों का गुणनफल उस दर्पण के फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फोकस से वस्तु की दूरी एफ ए है, सही है, और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी एफ एम है, यही हमारा एलएचएस है। हम इसको सिद्ध करना है एफ स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग इसमें जांच करें एफ ए है कौन, यही ना एफ ए है, यही एफ ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ ए है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए माइनस कितना पी एफ, पी ए माइनस पी एफ, और इस FM को लिख सकते हैं PM माइनस क्या, सबको चिन परिपाटी पता है, इधर से लाइट आता है उस तरफ की दूरियां माइनस, सही है, दूसरी तरफ की दूरियां प्लस, तो सारी दूरियां तो इधर ही है, सभी दूरी का ऋणात्मक होगी। तो आइए हम लोग यहाँ भरे PA वस्तु दूरी है माइनस U, सही है, क्योंकि ऋणात्मक ही है तो माइनस U, पहले से यहाँ माइनस है। PF, PF क्या है, फोकस दूरी माइनस F, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, लिखते रहे बाद में हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, PA वस्तु दूरी है, PA कौन दूरी है, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमेशा किसमें माइनस में, इधर ही है, तो PF फोकस दूरी है इधर ही है, तो क्या माइनस, पहले से देख माइनस दिया ही है, इस पी एफ का हमने अलग से माइनस लिख दिया, सही है। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ देखें पी एम, पी एम बताइए प्रतिबिंब दूरी, रू से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी माइनस ई, फिर माइनस है ही, पी एफ वाई हो जाएगा माइनस एफ, सही है, पहले हम लोग माइनस हटा लें यहाँ से, बताइए माइनस यू माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से बताइए माइनस प्लस, सही है, क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं, तो आइए हम लोग यहाँ से क्रॉस कर ले गुना करके आंसर मिला है माइनस माइनस, हम निकाल रहे हैं एफ ए इंटू एफ एम, वही ना निकाल रहे हैं, चलिए यहां से बताइए माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू भी, अब फिर यहां से यहां गुणा कीजिए प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा यू एफ, सही है, फिर यहां से गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस भी एफ, और एक लास्ट गुना प्लस 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 कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस, सही है, गुना तो सही है ना। आइए तो हम लोग अब यहाँ से हल करें, क्या क्या हमको मिला है बताइए, यू भी माइनस यू एफ माइनस ई एफ प्लस कितना एफ स्क्वायर, सही है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर आपकी सहमति हो तो हम लिख दें यू भी एफ बटा यू भी एफ, लिख सकते हैं,
यही मैटर को हमने लिखा है, यहाँ जो दिया है इसको लिखा है, केवल हम इस पर लिखे दो, फिर यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यू भी माइनस यू एफ माइनस भी एफ, ऊपर जितना था फिर नीचे उतना हो जाएगा। सही है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें से, हम नीचे वाले हॉर्ड को अंदर लेकर चल रहे हैं, ऊपर वाला वैसे ही छोड़ देना है। U E F, चलिए इसको अंदर लेके आते हैं, U E बटा U V F, U V बटा माइनस U F बटा U V F, सही है। फिर बताइए माइनस E F बटा U V F, अलग है प्लस एफ स्क्वायर, अलग क्या है प्लस एफ स्क्वायर है, क्या इसमें से कुछ कटेगा, यू बी यू बी यू एफ यू एफ बी एफ, सही है। तो इधर बचा कितना बताइए, तो यू बी एफ इंट बताइए वन बाई एफ माइनस वन बाई बी माइनस वन बाई यू प्लस, सही है। क्या इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, माइनस यू पी एफ वन पाई एफ माइनस वन पाई भी प्लस वन पाई यू प्लस कितना, क्या आपको पता है यह सूत्र है किसी का, वन पाई एफ का है ना। तो हम इसे यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए बताना है, यू पी एफ वन बाई एफ माइनस वन बाई एफ प्लस एफ स्क्वायर शून्य हो जाएगा, यू पी एफ इंटू शून्य प्लस एफ स्क्वायर, अंतर कितना बच गया, और यह हम किसको सिद्ध कर रहे थे, एफ इंटू कितना एफ, किसी भी अवतल दर्पण में, किसी भी अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब के लिए, क्या न्यूटन का सूत्र समतल दर्पण में लागू होगा, उत्तल दर्पण में लागू होगा, क्या अवतल दर्पण में लागू होगा, अवतल दर्पण में कैसी स्थिति के लिए, केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब कहां से कहां तक बनते हैं, एफ से लेकर आई तक बनते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए फोकस से वस्तु की दूरी और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी दोनों का गुणनफल उस दर्पण की फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं, हमने एक अवतल दर्पण बना लिया और यहाँ इसका फोकस है, वक्रता केंद्र है, इधर इंफिनिटिव है, इसका अनंत है, और इसी के बीच हमने क्या रख दिया, वस्तु रख दिया। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लेंगे ना, एक्स वाई द्वारा पी ध्रुव एफ फोकस सी वक्रता केंद्र वाला एक अवतल दर्पण है जिसमें कोई वस्तु अनंत और सी के बीच ए बी के रूप में रखी है, किस रूप में रखी है, और उससे आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ बनाती है, एमएन के रूप में, किस रूप में, एमएन के रूप में कैसा प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक और उल्टा। तो यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो निश्चित रूप से यहाँ न्यूटन का सूत्र लागू होगा। तो यह गिवन है, सिद्ध क्या करना है, एफ ए इंटू एफ एम इज इक्वल टू एफ एस स्क्वायर। तो हम एलएचएस ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, एलएचएस एफ ए इंटू कितना एफ एम, और चित्र में एफ ए ढूंढते हैं है कहाँ, तो यही ना एफ ए, क्या हम इस एफ ए को ऐसे लिख सकते हैं, बी ए माइनस पी एम, तो हमने लिख दिया बी ए माइनस कितना पी एम, और इस एफ एम को कितना लिख सकते हैं, पी एम माइनस पी एम, सही है।
अब हम इसको ढूंढेंगे कि P A आखिर है क्या। तो यहाँ साइन का पेंसन लगेगा चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी है कि दर्पण की तरफ या जिधर से लाइट आ रहा है उस तरफ। माफी गई सारी दुनिया क्या है, ऊंचाई को छोड़ के, ऊंचाई सीधा के लिए प्लस उल्टा के लिए माइनस। तो अभी तो सारी दुनिया किधर है, दर्पण की तरफ ही है, वस्तु की तरफ ही है। तो यहाँ हम सभी दूरी ऋणात्मक ले लेते हैं। P से लेकर A तक कौन सी दूरी है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस। PF कौन सी दूरी है, फोकस दूरी। PF कौन सी दूरी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस F। माइनस F चुकी है तो निगेटिव हो जाएगा। PF कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, फिर माइनस P। और उसके बाद फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ, माइनस नहीं, और PF फिर माइनस F। आइए चिन्ह माइनस किया जाए, माइनस यू माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस। अब हमको यहाँ से क्रॉस करना है, दोनों में गुना करना है, माइनस यू माइनस थ्री सेंट जोसेफ, यू भी प्लस यू भी, माइनस यू प्लस एफ माइनस यू एफ प्लस एफ माइनस थ्री माइनस थ्री एफ प्लस एफ प्लस एफ प्लस एफ स्क्वायर। फिर हमने इसको उतारा है यहाँ पे, यू पी माइनस यू एफ माइनस ई एफ प्लस एफ स्क्वायर। इन तीनों को एक साथ हमने उतारा है, उसमें बंद करके अपने मन से यू वी एफ बटा यू वी एफ लिख दिया है। फिर ये यू वी एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर ऊपर वाले के जैसा हो जाएगा। सही है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस अंश को यही रहने दिया, हर को अंदर लेकर चल रहे हैं। यू बी बटा कितना, यू बी एफ, फिर माइनस यू एफ बटा कितना, यू बी एफ, फिर माइनस बी एफ बटा कितना, यू बी एफ, प्लस कितना, एफ स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कुछ कटेगा, यू भी क्या हो गया, कट गया, वन बाई एफ माइनस यू एफ, यू एफ कट गया वन बाई बी, बी एफ बी एफ कट गया वन बाई यू, यू बी एफ। अब देखते हैं यहाँ वन बाई एफ है, दोनों में से क्या कॉमन ले लिए, माइनस वन बाई बी प्लस वन बाई यू, अलग चल ही रहा है प्लस एफ स्क्वायर। यू बी एफ वन बाई एफ माइनस, क्या यह किसी का सूत्र है, दर्पण सूत्र से वन बाई एफ है। तो माइनस वन बाई एफ इधर है, प्लस वन बाई एफ है, कट जाएगा, शून्य आ गया। यू भी एफ में हमने शून्य से गुणा किया तो शून्य हो गया, प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना आ गया। क्या सब लोगों ने सत्यापन सीख लिया, सबके मन में यह बात आ गई। आप में से कोई विद्यार्थी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो खड़े होकर पूछ सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को अगर इस जो हमने अभी व्यंजक निकाला दर्पण में न्यूटन सूत्र यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप यदि समस्या है इसके बावजूद भी तो आप यूट्यूब पर जाकर टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर सर्च करके इसको दो से तीन बार सर्च करके सर्च करके इसको देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप देखिएगा। और आप अभी टर्निंग पॉइंट जो कि बसंतपुर की एक बेहतरीन संस्था है, आपको वर्ग 10 के लिए और वर्ग 11 12 के लिए आप पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी सपोर्ट करेंगे हमारे उस चैनल का, और अन्य विद्यार्थी जो आपके संपर्क में हैं, जो अन्य संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उनको भी आप इस चैनल से रूबरू कराएंगे, उनको भी इस चैनल की जानकारी देंगे, ताकि वे विद्यार्थी घर बैठे हमारे सारे
सब्जेक्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जितने भी सूत्र हैं उसको देख सकें, समझ सकें, और कोई भी आपको समस्या उसमें आ रही है तो आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं और उसमें आप क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर निश्चित रूप से देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। बोला